अभी दूल्हा बाबू से इंट्रोड्यूस कराएंगे, आइए इस तरफ से। सब लोग जो है मेहमान आए हुए हैं और चल के जो है और इनका भी रिहले। चलिए आप भी चलिए वहाँ पर ही दूल्हा बाबू से इंट्रोड्यूस कराएंगे। जो है गुमला के जाने माने आदमी है, ये खुद ही अपने जबान से अपना परिचय देंगे। बताइए कैसे फील हो रहा है ये पार्टी में शामिल? जी बिल्कुल बेशक, बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा है। नहीं नहीं, लोगों के लिए क्या मैसेज है ये पार्टी? ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा ये होना चाहिए, मिसाल है, होना चाहिए यार। मुस्लिम ये सेकुलर भी है, लोगों के लिए मिसाल भी हो गया, हिंदू मुस्लिम एकता का भी, और भी बिल्कुल सभी धर्म के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मोहम्मद अशफाक। मोहम्मद अशफाक जी, चलिए आपसे बात करिए। खुशी अशफाक भैया, चलते हैं मंच पर और मंच पर जाके दूल्हा बाबू से इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको। और उससे पहले जो है ये मेरा भाई लोग से अभी विदा लेते हैं, चलते हैं। तो गाइस अभी ऊपर चल के जो है दूल्हा बाबू से इंट्रोड्यूस करेंगे और ये सब मेहमान है। इधर घूम के और मेहमान को एक तरफ दिखाओ, ये सब मेहमान है। और ये अभी दूल्हा जी है, अभी निकाह नहीं हुआ है, और चल के जो है उनसे इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करेंगे और ऊपर चलेंगे अभी और चलते हैं दूल्हा बाबू के पास। एक मिनट एक मिनट। तो गाइस मैं आपको ये सुखदेव भगत जी जो है अपना जबानी बता रहे हैं, तो मैं आपको सुनाऊंगा इनका। हाँ दादा, 10,000 से ज्यादा यहाँ पर जातियां और ये हैं। जाहिर से 28 राज्य है, अलग अलग भाषा, अलग अलग सब कुछ है। हमको एक चीज बताइए। चलिए शुक्रिया, एक चीज मैं आपको बतला रहा हूं। देखिए इस पृथ्वी पे दरख्त भी है तो अलग है, इंसान भी तो अलग अलग है, मतलब अलग शक्ल के, अलग एक है, इसकी खूबसूरती ही ना है। तो भैया अलग अलग, हम कहा कि अलग अलग मजहब के लोग, अलग जाति के लोग, यही देश की खूबसूरती है। हम लोग गविता बोलते हैं ना, अनेकता में एकता हिंद की विशेषता। तो भैया जब सब कुछ हमको पावर मिला है, हम कुछ ये है, आप उसे बदल क्यों रहे? उसी पे आ रहे हैं। तो यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहा था कि हम जो कहेंगे वही सही है, तुम कैसे कह रहे हो यार? और हम आज भी बोलते हैं देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है क्या? अगर हम क्या बोलते हैं 420 का अगर दफा लगता है तो हिंदू में भी लगता है, मुस्लिम लगता है, आदिवासी सब पे लगता है, जो भी धारा हो सब पे लगता है। तू तो ऑलरेडी है ही है, हत्या करो तो सबका वही दंड है, उसका अलग था, जाति करो सब थोड़ी अलग दंड है। तो फिर आखिर खत्म क्या करना चाहते हो भैया? उसी को ना खत्म करना, इसी को बोले। तो ये रीजनल पार्टी कोई भी हो उस जगह पे जाकर नहीं लड़ सकती है, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, यहां कॉन्स्टिट्यूशनल जो लड़ाई है वो पार्लियामेंट से हो सकती है, लोकल लेवल पे नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि जब सदर सेक्रेटरी जिम्मेदार आप ओहदे पे हो तो आपको समझना पड़ेगा, अपने कौम के लिए, अपने समाज के लिए समझना होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि आप ऐसी जगह पे आओ जहां से आप कुछ कर सको। इसीलिए बोले ना कि नजदीक फायदा से ज्यादा दूर का नुकसान सोचो, आपने क्या हो सकता है, हमारी आपकी जिम्मेवारी है। मैं बताना चाहूंगा, अभी जो आप जबानी सुन रहे थे ये सुखदेव भगत जी है और हम लोगों के बीच आज जो है ये विराजमान है और हाजिर है। तो हम लोगों को बहुत खुशी हुआ कि आप यहाँ आए, आप इस पार्टी में आए और ये बिरसा मुंडा पार्क में जो है इस तरह सजाया गया है और बेहतरीन से ये पार्टी किया है, पार्टी हो रहा है। तो लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा आप, क्या संदेश? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि सबसे बड़ी बात मुझे पता चला कि यहाँ पर इस पार्क में पहली बार शादी हो रही है और एक शादी के माहौल में निश्चित रूप से एक शादी जो है जन जनवंत का बंधन भी है। और पहले सबसे पहले आपके माध्यम से मैं तो वर और वधु दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके अच्छे भविष्य के लिए। और हम चाहते हैं कि सारे लोग जिस प्रकार खुशी का माहौल है ये माहौल हमेशा कायम रहे। और निश्चित ये पार्क जो है, मैं कहता हूँ पार्क पहली जो शादी हो रही है, बड़ा नेक काम जो आज हो रहा है, बड़ा पाक काम हो रहा है। तो इसके पार्क जिसे कहा जाए इसकी खूबसूरती, पार्क की खूबसूरती और बढ़ गई है, बढ़ गई है। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई यहाँ पर और भी चीजें जो शुरुआत हुई है और बेहतर तरीके से हो। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा आज भी कि देखिए जिस प्रकार शादी में
हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग, हर लोग, हर तबके के लोग आ रहे हैं। उसी प्रकार सोसाइटी में उसकी खूबसूरती यही है कि प्रेम और अखलाक से भी ये लोग समाज रहे, यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, थैंक यू। तो लेते हैं सेक्रेटरी साहब, हमारे बीच जो है सुखदेव जी विराजमान हुए हैं या शामिल हुए हैं, और भी बड़े बड़े नेता आए हैं, तो आप किस तरह फील कर रहे हैं, इसको कैसे बयान कीजिएगा? नहीं, एक्चुअली तो शादी के मौके पर हम लोग हैं, और हम लोग इमरान भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने शादी के बहाने यहाँ पर आज ऐसा एक संगम पेश किया है। तो हम लोगों को लग रहा है कि विवाह तो है ही, लेकिन एक पॉलिटिकल रंगमंच भी इसी बहाने हम लोग विचार विमर्श में कैसे हम लोग मोदी जी को आगामी लोकसभा में पछाड़ेंगे, और उसकी रणनीति हम लोग पार्टी में खा करके तैयारी हम लोग कर रहे हैं। चलिए तो गाइस दूल्हा बाबू से इंट्रोड्यूस कराएंगे, पर निकाह हो जाने दीजिए। इसको सब्सक्राइब करते हैं, मधुमन श्री जी से कल लेकर आए थे। अच्छा, बड़ा अच्छा, मैं बड़ी पसंद करते हैं। हाँ, उनसे कल लिए 26 मिनट का इंटरव्यू के बाद नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं आपका, तो लाइकन बजा देते हैं, ये वीडियो आपके पास पहुँचेगा, आप जलिए ना, चालू करो। देख पा रहे हैं दोस्तों, सभी का स्वागत जो है इस तरह से किया जा रहा है, फूलों के साथ में, फूलों के हार के साथ, और अभी निकाह होनी बाकी है, निकाह जब होगा तो आपको दूल्हा बाबू से भी जो है इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। गाइस अभी लड़की का निकाह होने जा रहा है, और अभी जो है लड़की के निकाह के बाद लड़का का निकाह होगा, उससे पहले मैं दूल्हा बाबू से इंट्रोड्यूस करा दूँ। बाबू से इंट्रोड्यूस कराते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सरफराज भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ और मेरा व्यूवर्स भी जानना चाहते हैं कि इस तरह से जो है बिरसा मुंडा पार्क में पार्टी दिया गया, पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया, आज सेकुलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम का एकता ही अभी ये दे रहा है, और आपका मैरिज में इस तरह से फंक्शन देख के आपको कैसा फील हो रहा है? आई एम फीलिंग बेटर, इसको उठा दीजिए हल्का सा। आई एम फीलिंग बेटर एंड अरेंजमेंट इज ऑल्सो वेरी नाइस, आप बोले कि सेकुलर है, हिंदू मुस्लिम का एकता का, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको ये अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 21 का, तो पार्टी बेहतर है, बढ़िया। चलिए आपसे बात करें, गाइस मैं बताना चाहूँगा कि अब जो है लड़की तरफ से निकाह हो गया, आप इनके इनके बड़े भाई हुए, ये इस तरह से आपका भाई का मैरिज हो रहा है, और बिरसा मुंडा पार्क जैसा जगह में डेकोरेशन कराया गया है, और बेहतरीन से बड़े बड़े लोग विराजमान है, शामिल है, और बड़ा बड़ा नेता भी शामिल है, आईएएस सबसे बड़ा बड़ा ऑफिसर भी शामिल थे, तो इसमें आपको किस तरह फील हो रहा है? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, पार्क में ऐसा शादी होता नहीं है, बहुत पहली बार हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है। जी चलिए, आप किसी उपनाम क्या हुआ? मेरा तबरेज नाम हुआ। ये जो है मेहमानों से भी आपको जो है इंट्रोड्यूस कराऊंगा सभी लोगों से, और पूछना चाहूंगा कि सर मैं एक सेकेंड आपसे, गैस मैं बताना चाहता हूँ, ये भी जो है मेहमान की तरफ से है, ये गार्जियन भी है, सीनियर भी है, तो इनसे मैं जानना चाहूंगा इस तरह बिरसा मुंडा पार्क में सेकुलर पार्टी के साथ में मतलब इस तरह डेकोरेशन किया गया, और आपका ये पार्टी जो है सब शामिल हुआ, बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए, तो किस तरह आप फील कर रहे हैं? देखिए आप तो जान रहे हैं कि शादी ब्याह का जो अवसर होता है इसमें तो गुड ही फील होता है, गुड ही फील होता है, ठीक है। हा? और नेता हैं, अभिनेता हैं, बराती हैं, ये एक मिलन का टाइम होता है लोगों का, और ये लोगों के लिए सोशल मैसेज भी है, सोशल मैसेज है, और बहुत अच्छा लगा आपका गुमला में जो है इस तरह का पार्क को भी आप विवाह के रूप में इस्तेमाल करने के लिए अगर आप दे रहे हैं तो एक अच्छा आगे के लिए एक मिसाल है, और सभी जाति समुदाय के लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। आपकी शुभ नाम क्या हो सर? मेरा नाम सैयद साजिद अहमद है। चलिए साजिद सर, आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई, तो गाइस मैं वीडियो को एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ओके गाइस। तो गाइस ये भी शादी में इम्पोर्टेंट आदमी है, और ये भी मेहमान का एक रिश्तेदारी है, और मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, इनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बिरसा मुंडा पार्क में इस तरह जो है सोशल मैसेज की देने की तरह जो है एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है, और बहुत सारा लोग लोकप्रिय भी है, और बहुत सारे नेता लोग भी आए हैं, और आप लोग भी बरात लेके आए जैसे भी, तो इस तरह पार्टी में शामिल होकर और इस तरह से ये देख आपको कैसा फील हो रहा है?
पहले गुमला वासी और जिसके हम लोग बारात आए हुए हैं, पहले हम उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने अच्छे पार्क गुमला में हम लोग को अच्छा व्यवस्था किया गया है, और साथ में यहाँ हम लोग को मेल मिलाप और मोहब्बत देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से शादी में हम लोग को इज्जत किया जाता है गुमला में, ऐसे तो हम पहली बार आए हैं लेकिन देख के हमको बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। हाँ, ये छोटा जगह पिछड़ा जगह होने के वजह इस बिहार एक पार्क में खास करके इतना लंबा चौड़ा जगह में किया गया है, और हम देखे लोहरदगा को हम बुराई नहीं करते हैं, लेकिन इतना अच्छा पार्क, वहाँ पार्क में भी इस तरह का शादी व्यवस्था आज से पहले ऐसे इंतजाम नहीं किया गया था, लेकिन गुमला हम पहली बार देखे हैं, इसे हम बहुत बहुत खुश है। और ये इनसे बात कीजिए, बात किए इनसे तभी तो आपको हाँ बताइए, और क्या बोले तो बात इनसे की, आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा खुर्शीद आलम नाम पड़ा। चलिए सर, आपसे बात करिए, फीलिंग बता सकते हैं? जी हम ये बोलेंगे कि ये एक ऐतिहासिक शादी है, क्योंकि हम समझते हैं कि झारखंड में इस तरह की शादी हमने नहीं बल्कि सभी ने फर्स्ट टाइम देखा होगा, क्योंकि किसी पार्क में और खास तौर से ये कोरोना काल को देखते हुए भी सेफ्टी के पर्पस से बहुत ही बेहतरीन इंतजाम है यहाँ पर, और ये जो है याद रखा जाएगा लाइफ टाइम के लिए, माध्यम से भी याद रखा जाएगा। हाँ, और ये याद रखने वाली, और ये फर्स्ट टाइम एक मतलब रिकॉर्डेड शादी है पार्क में, इस तरह झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, और आइंदा आने वाले लोग जो है वो इस तरह से पार्क में ही इंतजाम करेंगे, और बहुत अच्छा रहेगा हर सेफ्टी के एतबार से, और भी बहुत तरह के सहूलत से। अब हम समझते हैं कि लोग जो है मैरिज हॉल के तरफ रुख छोड़ दें। बिल्कुल, ये भी मेरा वीडियो देखने के लिए है। तुम लोग को कैसा फील हो रहा है शादी में शामिल होकर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सैफ है। आपका? स्टैन। आपका? आदिल। चलिए आप लोगों से बात करें, खुशी हुई। हमको बस इनसे लीजिए, चल इधर कर। तो सर बताते हैं गाइस कि ये जो है ये भी पार्टी में इम्पोर्टेंट है, ये भी एक मर्तबा रखते हैं, आइए इनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको, आरिनी की जवानी जानते हैं। इस तरह जो है पार्टी में शामिल होकर बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं, और इस तरह बिरसा मुंडा पार्क को सजाया गया है, इसका क्रेडिट किन को जाता है? इसका क्रेडिट जाएगा टिंकू उर्फ इमरान उर्फ टिंकू को। आपको कैसा फील हो रहा है पार्टी में शामिल होकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी। लोगों के लिए सोशल किस तरह मैसेज आप बताइए? बहुत ही अच्छा है, यहाँ अच्छे खासा सजावट हुई है, और यहाँ अच्छे खासे भीड़ हुई थी, जितना आना था उससे ज्यादा आए हुए हैं, और अभी तक भीड़ है ही है, निकाह हो रहा अभी फिलहाल। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम शहाबुद्दीन खान है। चलिए सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी। उनको भी ये बुला लें क्या, फीमेल सिंगर? गाइस मैं बताना चाहूंगा, फोटो तो दूसरा कैमरा से लिया जाएगा, अभी मैं ये हमारे सिंगर जी लोग जो है अभी ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज ये लोग कर रहे थे, और इनसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अभी ये पार्टी में शामिल होकर आपको कैसा फील हो रहा है लोगों को इंटरटेनमेंट कराने के लिए? बहुत ही अच्छा फील हुआ है जनाब। मैं मोहम्मद आशिक रामगढ़ कैंट से हूँ, और यहाँ आने के बाद जितना हम सोच रहे थे उससे कहीं ज्यादा और कहीं बेहतर अच्छा लगा, और बहुत ही खूबसूरत माहौल रहा, यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण, यहाँ का जो भी माहौल है बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही उम्दा लगा, और खासकर यहाँ के अच्छे लोग और हमारे जनाब भाई साहब, इनका नाम शहाबुद्दीन खान, हाँ इनसे बात हुआ है, शहाबुद्दीन खान साहब, ये भी बहुत अच्छे माय डियर आदमी है, और हमारे रामगढ़ के ही बीरबल भाई, इनका भी बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। जी जी, इन्हीं के जरिए आज हम आपके गुमला के सरजमी पे आए हुए हैं, हमारी कोशिश लोग मिलते गए और कर्म बनता गया, बिल्कुल बिल्कुल। बस बस क्या सुना चले, दो लाइन है, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लोया
ठुकरा दो प्यार का तोहफा लाए हूं। और हमारे रामगढ़ के ही बहुत ही जाने माने और बहुत ही नायाब सिंगर हैं, बहुत अच्छी आवाज में गाते हैं, उदित नारायण साहब की आवाज में गाते हैं, मिस्टर सोनू, वो आपके बीच आ रहे हैं। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल है ये हमारा है, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। आपकी बहुत बता रहा हूँ, ये फीमेल सिंगर लोग को भी जो है बुला रहे हैं और बुला के बात करेंगे यही पास जो है, आप लोगों को उन लोगों से भी जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे। उससे पहले मैं बता दूं, ये सब जो है जाने माने लोग हैं और हमारे एक भाई जो है इनसे भी, इनसे तो बात करा चुके हैं, इनसे इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। प्लीज 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 बीरबल खान साहब, बीरबल ये रामगढ़ से बिलोंग करते हैं और बीरबल खान साहब हैं और इन्हीं की जवानी जानते हैं, ये पार्टी में शामिल होने के बाद जो है किस तरह ये फील कर रहे हैं। अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे लोगों जिससे इस तरह बिरसा मुंडा पार्क में पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है, हिंदू मुस्लिम एकताई का भी सोशल मैसेज दिया गया है, तो इस हिसाब से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, दो शब्द में बताइए। अच्छा रहा, है ना, सिंगर है और इनसे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, दो लाइन में मैं कहूंगा आपको, ये मैं अभी बस को सुना दीजिए, अभी सुना दीजिए, दो लाइन से। मोहन शादी का कुछ बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। थैंक यू। जय सिंह है और ये रांची से बिलोंग करती हैं और आज हमारे बीच मौजूद है और ये बिरसा मुंडा पार्क में जो पार्टी हमारे इमरान उर्फ टिंकू भाई रखे थे और उसके कारण जो है तमाम सेकुलर लोग जो है हिंदू मुस्लिम एकताई का भी सोशल मैसेज इन्होंने एक तरह से देने की कोशिश किया है